हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना डायरीज। आज की रेसिपी है भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद। जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए मैं आपके लिए श्री कृष्ण को भोग लगाने वाले तीनों प्रसाद की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। धनिया की पंजीरी, माखन मिश्री और पंचामृत। पंचामृत बनाने की एक विशेष विधि होती है, उसी विधि से मैं आपको पंचामृत में डलने वाले पांचों द्रव्यों का क्या क्या अनुपात होता है, वही सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आइए सबसे पहले हम माखन मिश्री बनाते हैं। माखन जब तक दही का ना हो तब तक उसमें वो स्वाद नहीं आता है, इसीलिए हम सबसे पहले दही जमाएंगे। दही जमाने के लिए मैंने एक कप दूध की मलाई ली है, जिसे मैंने 3-4 दिन तक इकट्ठा करके फ्रिज में रख लिया था। इसे हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, या फिर आप हल्का सा गैस पर गुनगुना होने तक इस मलाई को कंटिन्यू हिलाते हुए हल्का सा गुनगुना कर लें। गुनगुना करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच दही ऐड करेंगे। जैसे कि हम दही जमाते हैं, दूध को हल्का सा गुनगुना करके उसमें दही का जामन लगाया जाता है, उसी तरीके से मलाई को हम हल्का सा गुनगुना कर लेंगे और उसमें 1 चम्मच दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे ढककर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। अभी गर्मी का टाइम है तो 5 से 6 घंटे में मलाई जमकर तैयार हो जाएगी। 5 से 6 घंटे हो गए हैं, देख लेते हैं। देखिए, जो हमने मलाई ली थी वो अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसका माखन तैयार करेंगे। माखन बनाने के 2-3 तरीके हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर 2 या 3 बार चला लेंगे तो आसानी से माखन निकल जाएगा, और माखन हम हाथ से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं एक विस्क ले लेती हूँ। अगर आपके पास विस्क ना हो तो आप सिंपल सब्जी वाली चम्मच भी ले सकते हैं, उसे भी आप फेंटने वाली स्टाइल से कंटिन्यू इसी तरीके से घुमाएंगे तो 2 या 3 मिनट में ही माखन निकल जाएगा। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आपके पास टाइम हो तो इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो माखन जल्दी निकल आता है। इसे ठंडा करने के लिए मैं इसमें आइस क्यूब ऐड कर देती हूँ। अब इसमें हम 2 से 3 क्यूब आइस के ऐड कर देंगे ताकि माखन थोड़ा जल्दी निकल आए। देखिए, अब जैसे मैं आइस क्यूब को इसके साथ मिक्स करूँगी तो छाछ अलग हो जाएगी और माखन अलग हो जाएगा। आइस क्यूब की जगह आप ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जो 3 आइस क्यूब हमने डाले थे ये अच्छे से मेल्ट हो जाएं, उसके बाद हम 3 आइस क्यूब और डाल देंगे और चम्मच से इसे अच्छे से हिला देंगे। देखिए, सारा माखन बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। लीजिए, पानी डालने से आपको साफ दिख रहा होगा कि मक्खन पूरा ऊपर आ गया है। एक दो बार हम इसे चम्मच से अच्छे से हिला लेते हैं, उसके बाद इस मक्खन को हम निकाल लेंगे। मक्खन निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसे हाथ से निकालना होता है, हाथ हमारे बिल्कुल साफ हों, इस बात का हम ध्यान रखें। अब ये स्पून हम इसमें से हटा देते हैं और एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हम मक्खन को निकाल कर रखेंगे। देखिए, ऊपर ऊपर जो तैर गया है वो मक्खन ही है, और ये गाय के दूध की मलाई थी। भगवान के भोग के लिए हमें गाय के दूध का ही यूज़ करना है, गाय के दूध की मलाई ही यूज़ करनी है। तो पंचामृत में जो हम घी डालेंगे, अच्छा दूध डालेंगे, उन सब के लिए भी हमें गाय का दूध, गाय का घी लेना है। लीजिए, सारा मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बार अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें छाछ है वो निकल जाएगी, उसे हम वापस से निकाल कर हटा देंगे। सारी छाछ निकालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से पानी से धो भी लेंगे, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा छाछ होगी वो भी निकल जाएगी। देखिए, इतना मक्खन हमने इसमें से निकाल लिया है। ये दही जमाया था, इसलिए दही में से जो हमने निकाल लिया वो माखन है, और जो बच गया वो छाछ है, वो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। आप इस मक्खन वाली छाछ को नमक डालकर पीने में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस माखन में हम 2 चम्मच मिश्री के दाने डाल देंगे और माखन मिश्री हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए, माखन बहुत देर से बाहर रखा हुआ है, इसलिए हल्का हल्का सा मेल्ट होने लगा है। मिश्री भी हमने इसमें ऐड कर दी है, तो मिश्री भी हल्का हल्का पानी छोड़ देती है, इसलिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं पंचामृत।
पंचामृत बनाने का सबसे पहला नियम है कि पंचामृत बनाने के लिए आप जिस बर्तन का यूज कर रहे हैं वो बर्तन चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, या फिर मिट्टी का हो या फिर स्टील का, और किसी भी धातु के बर्तन में पंचामृत को नहीं बनाया जाता है। पंचामृत बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच कच्चा गाय का दूध ले लिया है, दूध का आधा, दही 2 चम्मच, दही की आधी चीनी 1 चम्मच, यही अनुपात हमें पंचामृत के लिए रखना है, और चीनी का आधा हमें घी लेना है और घी का आधा शहद, यही अनुपात पंचामृत बनाने के लिए बिल्कुल सही होता है। घी भी हमें गाय का लेना है, शहद मैंने ऑर्गेनिक लिया है इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क लग रहा है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये पंचामृत बिल्कुल तैयार है। पंचामृत बनाने का बिल्कुल सही तरीका यही है। अगर हम पंचामृत बनाकर भगवान को स्नान कराना चाहते हैं तो भी यही रेशो से पंचामृत बनता है, लेकिन उस पंचामृत में हम ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करते हैं। वो पंचामृत जिससे हम भगवान को स्नान कराते हैं वो उनके चरणों से निकलकर चरणामृत का रूप ले लेता है। अभी हमने पंचामृत भोग लगाने के लिए बनाया है इसलिए हम इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने भी पंचामृत बनाने के लिए चांदी का गिलास का ही यूज़ किया है। अगर आपके पास चांदी का गिलास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मिट्टी के बर्तन में भी बना सकते हैं और स्टील के साफ बर्तन में भी बना सकते हैं। अब हम बना लेते हैं धनिया की पंजीरी। उसको बनाने के लिए मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, आप चाहें तो साबुत धनिया को भी सेक कर और पीस कर यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने धनिया का पाउडर लिया है, ये अच्छा बारीक पिसा हुआ होता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधी बड़ी चम्मच मैंने घी ले लिया है, घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट डाल दूंगी 2 चम्मच, जिन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ गर्म घी में मैंने थोड़ा सा चला लेना है, क्योंकि जब हम धनिया का पाउडर इसमें ऐड करेंगे उसके साथ भी इसकी सिकाई हो जाएगी। अब हम इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर देते हैं। मैंने 1 कप धनिया का पाउडर ले लिया है, धनिया को भी ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं होती, 1 से 2 मिनट में धनिया का पाउडर सिक जाता है। अगर आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो टेस्ट में ये कड़वा हो जाएगा। लीजिए हमने 2 मिनट तक इसे सेक लिया है और धनिया लगभग अच्छा सिक गया है, अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। देसी कैटेड कोकोनट है, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बस इसे डालकर हमें 1 मिनट के लिए भूनना है और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब हम इसमें चिरौंजी और किशमिश ऐड कर देंगे जो हमने पहले ऐड नहीं किए थे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट में मिक्सचर को ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें शुगर बुरा ऐड करेंगे। प्लेट में हम इसे ठंडा करने के लिए खाली कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें शुगर बुरा ऐड कर देते हैं। मैंने लगभग 3 चम्मच शुगर बुरा इसमें ऐड किया है, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार है हमारा पंजीरी का प्रसाद, धनिया की पंजीरी जिसे हम कहते हैं। इसका जन्माष्टमी के दिन विशेष महत्व होता है और हर घर में पंजीरी को बनाया ही जाता है। 3 तरह के प्रसाद हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पंजीरी सर्व कर ली है, किसी भी साफ बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें अंदर ऐड कर दिए थे, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हम ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट लगा देते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, चिरौंजी सभी इसमें यूज़ किए हैं। ये माखन मिश्री है जो मैंने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है। माखन मिश्री को आप जब यूज़ करें तभी बाहर निकालें, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से ये माखन मेल्ट हो जाता है और मिश्री भी अपना पानी छोड़ देती है। पंचामृत के लिए मैंने मिट्टी का बर्तन ले लिया है, इसे अच्छे से साफ कर लिया है धोकर, ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं ड्राई फ्रूट से, और माखन मिश्री पर भी हम थोड़ी सी मिश्री डेकोरेशन के लिए लगा देते हैं। लीजिए तैयार है हमारा
लड्डू गोपाल के लिए भोग। माखन हम घी से भी बना सकते हैं, मलाई से भी बना सकते हैं, लेकिन माखन मिश्री में जो माखन हम दही से निकालते हैं उसका टेस्ट कुछ और ही होता है। और उसके साथ ही पूरे मन और भावनाओं के साथ जो हम प्रसाद भगवान के लिए बनाते हैं तो उस प्रसाद का स्वाद आनंद देने वाला होता है। इस जन्माष्टमी आप इस रेसिपी से प्रसाद को तैयार करें, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। प्रसाद में आप तुलसी पत्र अवश्य डालें, तुलसी पत्र के बिना प्रसाद अधूरा है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।